रोशन कुमार हुआ। घर बहुआरा, वार्ड संख्या 3 नंबर। अच्छा, ये सृष्टि के साथ जो घटना हुआ कैसे हुआ? मतलब सब बारात निकल रहा था, जब समय था बारात निकलने का, उसमें सब मेरी सिस्टर सब डांस कर रही थी। अच्छा, सृष्टि मेरी सिस्टर हुई और सब बच्ची सब डांस कर रही थी, दूरा लग रहा था। अच्छा, अचानक लड़का सब आया, ऑटो लगा था सब। अच्छा, आया और उसमें डांस करने लगा था। एक नितेश नाम का लड़का है, अच्छा। मेरे गांव का ही था, वो सब बगल में था खड़ा, दीदी के साथ उसे जबरदस्ती मतलब डांस करने के लिए उसमें घुस गया। अच्छा, उसमें से निकाल के उसको बाहर कर दिया। अच्छा, तो उसको आगे से बेल्ट उल्ट निकाल के, अच्छा, और रथ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था वो अपना गांव में बाजा नहीं, वो अपना घर तक, बक्की सिंह के बेटा, अच्छा, वो अपना घर तक बेल्ट उल्ट निकाल के, और बहुत प्रकार से था उके उधर के, अच्छा, सब बेल्ट ले लेता। हम रथ पर से उतर रहे थे, अच्छा, उतरने नहीं दे रहा था उस समय, निशान सब था और निशान इतना उस समय निशान सब था, हमको उतरने नहीं दिया रथ पर से। अच्छा, और बोल रहा था कि तू नीचे उतरो, तुमको भी मारेंगे। हम बोले कि ठीक है, हमको उतरने दो, खाली तुमको जो भी फड़िया लेना हमसे। अच्छा, तो बेल्ट उठ ले लिया था, 10-15 लड़का था उस समय बेल्ट लेने वाला। अब बाजा नहीं बजने दिया, ड्राइवर को भी मारा, रथ वाला ड्राइवर को, और गाड़ी वाला शीशा फोड़ दिया आगे के। अब बोला कि गाना बज के नहीं जाएगा, हमको डांस करने नहीं दिया है। तो गाना हम लोग नहीं बजाए, जोगी वहाँ तक ऐसी सब भाग गया, हम लोग रथ पे थे तो गाड़ी वाला के मारा तो डरे, आगे भागा दिया गाड़ी रथ वाला, अच्छा, और टोली वाला भी, तो और कुछ आदमी ये सब मेरे बराती नहीं था, पूरा पीछे लेट हो गया था आगे, तब वो सब आया, तब हम लोग ये सब बात बोले। उसके बाद ये सब सुबह में हुआ है, हम लोग वहीं पे थे, लथी दूरा अथी लड़की वाले के घर पे थे, तो सुबह में ये सब हादसा हुआ कि आके आग लगा दिया है। और रात भर गाँव में मतलब आतिशबाजी कर रहा था, गाड़ी से इन्ने उन्ने घूम रहा था, अच्छा, कि आग थी खोज रहा था नितेश के, मतलब जो लड़का कालर पकड़ के उसको बाहर निकाला था, डैश नहीं करने दिया था, अच्छा, उसको खोज रहा था मारने के लिए। अच्छा, तो वो लड़का हम लोगों को वहाँ पे बोला कि हम नहीं जाएंगे अभी, अच्छा, वो हम लोगों को मारेगा। अच्छा, तो हम बोले कि ठीक है तू यहीं पे रुक जाओ अभी, अच्छा, तो उसको रोक लिए। तो उसके कारण हम लोग 3 गो गाड़ी रोक लिए थे कि कुछ बारात नहीं जाएगा, क्योंकि गाड़ी आएगा तो घेर के मारेगा। तो एक मिथिलेश अंकल है, वो बोले कि हम है ना, तो उनको आ रहे थे रिटर्न, उनको वहाँ से छोड़ दिए थे। फिर उनको बोला रुकवा के, अब बोले उसको नितेश आगे, बोले कि आप आगे आगे चलेगा। और एक भाई था मेरा प्रवीण और रंजन, उसको बाइक से बोले जो तिलक में मिला था गाय बाइक, उसके साथ बोले कि तू बीच में था, हम लोग पीछे से रहेंगे और चला, जो भी रोकेगा उसके बाद हम लोग जो होगा देखा जाएगा। तो छोटू भैया और मिथिलेश बोले कि कुछ भी नहीं होगा, चलो। इसके बाद हम लोग आए तो सब घेर ले था, कुछ बोला नहीं, लेकिन सब वो सब गाड़ी भी लगा ले था, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग भी सीधा घरे चले हैं। अच्छा, तो लड़की के घर आग कहाँ लगाया गया? लड़की के चाचा आप चाचा हो, यही आग लगा है। तो कैसे आपके भतीजी का आग लगाया गया? उसका आग लगा तो वो चिल्लाया, अच्छा, पहले तो उसको धो लिया, मुंह बांध दिया, उसके बाद कुछ बोल नहीं पाया तो सलाई मार दिया। वो बताया, अच्छा, भतीजी जी हमको आग सलाई बार दिया है, आग लग गया है, तब छोड़ के भागा है। अच्छा, इधर मुँह है, आप आग इधर चिल्लाते गया है तो दादा के उठाया है, तो दादा, अच्छा, गेंडा उठा का उसको दे पर भी गया। क्या बजे की घटना? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे सुबह हुआ है, तो हम लोग चिल्लाया तो घर से निकले तो आग बहुत है, तो वो लोग तालु भाग गया है। यानी 19 का घटना? हाँ, 19 तारीख के सुबह। तो आप लोग जो आग लगाया उसको आप पहचाने कि नहीं? नहीं, हम लोग के पहले भाग गया है भतीजी, जब चिल्लाने लगा है, अच्छा, आग लग कर जरने लगा है, अच्छा, चिल्लाने लगा तालु, तो आग लगा कर सलाई मार कर भाग गया। सारी देखिए सर, सारी भी जला हुआ है, देखिए सर। अच्छा, यही पे था, जला दिया था। उनके दादाजी को बोला, चिल्ला के दादाजी जल गया, जल गया, हम मर गए, कुछ बोल रहे थे। और धमकी दिया था कि गोली मार देंगे, ज्यादा किसी को बोलेगा तो, ये सब ही बोला है। धमकी कौन दिया? मतलब नहीं, हम लोग नहीं थे, मतलब लड़की को बोला है, लड़का अच्छा। 2 बजे था, इसी तरह से भागा था। तो लड़की को जो धमकी दिया था पहले, तो लड़की पहचानता होगा ना? तो वो तो सृष्टि जानती होगी, उस समय हम लोग तो बरात थे। धमकी जो दिया होगा वो तो पहचानती होगी, मुँह बांधने का बोल रही थी ना कि मुँह बांध ले, हम तो अभी उसको देखे भी नहीं है जब से आए वहाँ से तब से। अच्छा, आप सृष्टि के चाचा हुए, नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न सिंह। तो यानी आप अपराधी को माने नहीं पहचान सकते? अच्छा। मगर सब बोल रहा था भर रात, अच्छा, किसी को लाश जाएगा टोला, बाइक से राउंड मार रहा था, भर रात राउंड मारा, पूरा बाइक से राउंड मार रहा था, और मिर्चाई को खोज रहा था, मतलब नितेश नाम है उसको, अच्छा, हम उसको जान मार देंगे। नितेश बोला, नितेश को मारने के लिए, उड़ने से लड़का सब था। और दीदी हमको फोन करके, हम वहाँ पे थे तो बारात में थे, तो वहाँ पे हमको फोन करके बोलता था कि लड़का सब घर से निकल नहीं रहे, सब इन्हें से इन्हें उन्हें कर रहा है। अच्छा, तो हम बोले कि तू सब घर से बाहर ना निकले, हमसे बिना ना, तो हम मैटर समझब कि कहला उसे बोले। अब बाराती जब जा रहे थे तो गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया जो टोली वाला था ड्राइवर। अच्छा, तो अभी आप लड़की के चाचा हुए, अभी आपके सृष्टि जो भतीजी हुई कहाँ पर है? अभी हॉस्पिटल में, माने
सदर में। कितना परसेंट जला है उसका शरीर? उसका पूरा पेट जला हुआ है, पेट जला हुआ है, पेट जला हुआ है, हाथ भी जला हुआ है, कहाँ कहाँ गोल पर भी जला हुआ है। अच्छा, बोल चाल करती है? हाँ, बोल चाल अभी है थोड़ा बड़ा। माने सुधार में क्या स्थिति है? अभी सुधार नहीं है, सुधार होता तो हॉस्पिटल से जाता नहीं। अच्छा, तो मैंने अभी हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल में? सदर में है, हाजीपुर। सरकारी में है? हाँ, सरकारी में। अच्छा, और आपको पहले से किसी से दुश्मनी भी था? नहीं, किसी से दुश्मनगिरी नहीं है। माने किसी के साथ आपको दुश्मनी नहीं? नहीं, पेट्रोल पंप पर भेंट हुआ था, कोई झगड़ा लड़ाई का पहले नहीं है, यही लड़का लड़की का कोई मैटर आंतरिक नहीं था। सृष्टि का उम्र कितना होगा? वही 10 साल है। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती थी? जब बराती हम निकाले शाम में तो लड़का बराती के गाड़ी को बेल्ट है गर्जियन के किस करना है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।